मीनू चल लौकर, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बस 2 मिनट में आया बड़ी आजी। हाँ मीनू आप कहाँ जा रही है? हरिणी के ससुराल जा रही हूँ, सभी की शादी है, सोचा न्योता दे आऊं। वैसे तो रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, लेकिन शायद इससे कुछ सुधार आ जाए। हरिणी तो किरण से बातें नहीं करना चाहती, लेकिन किसी को तो बात करनी पड़ेगी। नीना तुझे क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? वो मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इससे मेरा दम घुटता है, बहुत बहुत परेशान। नहीं याद आ जाएगा, परेशान मत हो। सभी देख, अब तो कुछ गड़बड़ मत करना, तूने जितने कांड करने थे कर लिए, देख अब प्लीज और कुछ मत करना। साखर पूड़ा के लिए बोला तो मैं तैयार हो गई, अब शादी के लिए कह रहे हो उसके लिए भी तैयार हो गई, फिर भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे हो मुझसे। एक काम करो, हाथ पैर बांध के रूम में बंद कर दो, बढ़िया जी तो इसमें एक्सपर्ट है। सभी तू मीनू बस 3 दिन ही तो बचे हैं इसके इस घर में, इसे खुशी खुशी रहने दे। अब ये 3 दिन कोई भी इसे कुछ नहीं कहेगा, कर लो। भोसले और फोन करा संभाल के। सभी अब ये कहाँ जा रही है? क्यों सब बेचारे पे नजरें गड़ाए बैठे हो? कॉलेज गई होगी, यही ना परत लौकर। ईशान तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और तुम मुझे अपनी आई से क्यों कंपेयर कर रहे हो? ईशान वो वक्त वो दौर अलग था। वो वक्त वो दौर अलग था रीवा, लेकिन हालात सेम है। उन्होंने भी इसी कॉन्फिडेंस से मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ कहा था। जो तुम कह रही हो तुम वापस आ जाओगे, मेरी आई भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी आगे निकल चुकी कि वो कभी वापस नहीं आई। ईशान मैं आऊंगी। ईशान रीवा, मैं बाकी की जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं काट सकता। मैं वो दर्द वो तकलीफ दोबारा नहीं सह सकता रीवा। मैम सभी एडमिन ऑफिस क्या करने आई थी? वो फाइनल ईयर की फीस भरने आई थी। क्यों, तुम्हें तो भोसले इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिला है। भोसले इंस्टीट्यूट नहीं जा पाऊंगी मैम। क्यों सभी? क्योंकि 3 दिन बाद शादी है मेरी। शादी इतनी जल्दी? हाँ मैम, उनकी फैमिली को जल्दी है और शायद मेरी फैमिली को उनसे भी ज्यादा। वही बहाने मैम, मुहूर्त पंडित कहते हैं कि 3 दिन के बाद शादी कर लो वरना 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। I mean, वो लोग तुझे पढ़ाई करने देंगे? तुमने बात की उनसे? हाँ झूठ मूठ में उन्होंने हाँ ही बोला है। झूठ मूठ का मतलब? मैंने अपने कानों से सुना है मैम। याद है आपने कहा था कि मैं जाकर उनसे बात करूँ? मैं गई थी उनसे बात करने, लेकिन दरवाजे पर मैंने उनकी बातें सुन ली। उनका कोई इरादा नहीं है कि वो मुझे परमिशन दे कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, वो तो बस शादी हो जाए इसलिए उन्होंने झूठ मूठ में हाँ बोल दिया। उनकी पूरी पूरी प्लानिंग है, 1 साल के अंदर अंदर उन्हें बच्चा चाहिए ताकि फिर कोई करियर कोई पढ़ाई कुछ ना हो, मैं कहीं भी ना जा पाऊँ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर वो मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मेरे खिलाफ प्लान बना सकते हैं, तो मैं भी अपने सपने पूरे करने के लिए उनके पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकती हूँ। इसलिए मैम मैंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। भोसले इंस्टीट्यूट तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई तो ज़रूर पूरी करूँगी। ऐसे ही लड़ते रहना पड़ा, कभी हार मत मानना। पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम हाँ। सभी तुम शादी कर रही हो? जी मैम, वो अभी तक कार्ड छपे नहीं है, पर जब छप जाएंगे तब आपको डेफिनेटली दूंगी। नाम क्या है लड़के का, क्या करता है? समृद्ध लाटकर, फैमिली बिजनेस संभालता है। समृद्ध लाटकर, आप जानती हैं उन्हें? हाँ नहीं नहीं मैं नहीं जानती। मैं चलती हूँ मैम। कार्जी सीमा, तुम इस लड़के को जानती? समृद्ध लाटकर, सभी ने जब नाम लिया तो तुम्हारा चेहरा ही उतर गया। अब आपसे क्या छुपाना ईशा मैम, मैं जानती हूँ उस लड़के को।
मेरी बहन की बेटी है ना राशि, उसके साथ काफी बदतमीजी की समृद्ध ने। राशि जिस एरिया में रहती है ये भी वही रहता है। काफी पैसे वाला है लेकिन ना कैरेक्टर अच्छा है ना हरकतें। पता नहीं सभी इसके चक्कर में कैसे आ गई। मैं पकते एक मिनट मम्मा, पता नहीं बार बार कॉल करें कोई इमरजेंसी ना। बस एक मिनट। हाँ मम्मा। माय गॉड रीवा, मैं बहुत 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 खुश हूँ। जल्दी से अपना ईमेल चेक कर। कम ऑन, हरी अप। ओह माय गॉड, दफर कुछ बोल क्यों नहीं रही। चल मैं ही तुझे खुशखबरी देती हूँ। वो लंदन का कॉलेज है ना, उसमें तेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे अभी पता चला, थोड़ी देर पहले शबाना का कॉल आया था। लेकिन तूने इतनी इम्पोर्टेंट मेल अभी तक चेक क्यों नहीं की? चेक किया ना मॉम, आई नो मेरा सिलेक्शन हो गया। तुझे पता है? कब पता चला? बस अभी आधे घंटे पहले पता चला। तभी फोन कर देती ना, हम उसी समय यू टर्न लेकर आ जाते। चल कोई बात नहीं, हम अभी आते। नहीं नहीं मामा, वो आप लोग जाइए ना, मैं आती हूँ, डैडू को काम होगा ना। तो तू कब आने का सोच रही है? हाँ हाँ मॉम, मैं जल्दी आती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा एंड कंग्रेचुलेशंस। सुन तू जल्दी घर आ जाना क्योंकि 3 दिन में वहाँ पे रिपोर्ट करना है। वो तो अच्छी बात है कि यूके का तेरा वीजा पहले से ही लगा हुआ है। हमें सिर्फ एयर टिकट्स खरीदनी है और शॉपिंग करनी है, तो तू जल्दी से आ जा। तो समझ नहीं आ रहा तू इतनी चुप और शांत कैसे है। नहीं नहीं मॉम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आऊंगी मैं। रीवा बेटा क्या हुआ, तू खुश नहीं है क्या? तेरी आवाज में वो एक्साइटमेंट ही नहीं है। नहीं नहीं मॉम, मैं बहुत खुश हूँ और यही तो मेरा सपना था ना। ट्रस्ट मी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं जल्दी से आती हूँ। ओके ओके बाय। और लंबी जुबान होगी तेरी, बदतमीजी करेगी। हमारे बहू तो मायके जाके बैठी, अब इस उम्र में घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं मानता हूँ ताई बहुत टाइम से मायके में है और ऐसे में किसी को भी तकलीफ हो जाएगी, पर आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि वो मायके में क्यों है। आपके बेटे ने ताई के साथ गाली गलौज की, उन पर हाथ भी उठाया। अब ऐसे में तो कोई भी लड़की अपने मायके चली ही जाएगी ना, पर किरण जी का तो फर्ज बनता है ना कि वो उनका आकर मनाए। पर मनाना तो दूर, उन्होंने एक फोन तक नहीं किया उन्हें, क्योंकि तेरी ताई सब कुछ झूठ बोल रही है। मुझे समझाने की बजाय ना जाके अपने ताई से पूछ कि रात में छुप छुप कर वो किससे बात करती है। नहीं दामाजी, मेरी हरिनी किसी से बात नहीं कर रही थी। संजय से बात करती है वो आज भी। तेरी ताई का एक्स बॉयफ्रेंड, मैंने उसको उससे बात करते पकड़ लिया था। मैंने बोला फोन दिखा, फोन ही दिखा रही थी। बस इसी चक्कर में हमारी छीना झपटी हुई और गलती से मुझसे धक्का लग गया और उसके सर पे चोट लग गई। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर उसने अपना पूरा कर्मकांड छुपा लिया। अगर वो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहेंगे ना, तो तुम्हारी बड़ी आजी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो उन्हें एकदम कस के जवाब देके आएगी, समझना। बड़ी आजी देंगी जवाब, उन्हें अपनों से ज्यादा दुनियादारी की, समाज की, लोक लाज की फिक्र है। चार लोग क्या कहेंगे सोच के पहले से ही मुंह पे ताला लगा लेती है। माफी मांग रही होंगी ताई की तरफ से। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी बच्ची की गलती को आप माफ कर दीजिए और मेरी पोती सवी की शादी के इस शुभ अवसर पर आकर उसे आशीर्वाद दीजिए। हमारे रिश्तेदारों में आप ही सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। शादी पे जरूर आइए और फिर डोली विदा होते ही अपने घर की लक्ष्मी को घर ले आइए। सवाल ही पैदा नहीं होता है, हम ना ही आपकी पोती की शादी में आएंगे और ना ही हरिनी इस घर में वापस आएगी।
ए कपरे, तुझे तेरी साली की शादी में नहीं जाना है तो मत जा, लेकिन बहू को आने दे। इतने दिनों से मायके में है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ऊपर से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सास होने का तो कोई सुख ही नहीं मिला मुझे अब तक। मेरा बेटा किसी को बुलाने नहीं जाएगा। देखिए भवानी जी, आपकी बेटी इस घर को खुद छोड़ के गई थी, तो वो खुद ही वापस आएगी। शादी हो जाने के बाद आप अपनी बेटी को इस घर में वापस भेज दीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए जी, आप एक बार सोचेगा जरूर आने का। आप चाहे यहाँ रहो या वहाँ रहो, अपने लिए खुद ही लड़ना होगा, खुद ही आवाज उठानी होती है। मुझे ही देख लो, परसों मेरी शादी है, लेकिन फिर भी आज अपने फाइनल ईयर की फीस भर कर आई। क्या सभी, तुम कॉलेज की फीस भर के आई? मतलब शादी के बाद तुम पढ़ाई जारी रख? हाँ, जब मेरे ससुराल वाले मेरे सपनों को कुचरने का प्लान बना सकते हैं, तो मैं अपने सपनों को बचाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो मैं तुम्हारी उलझन दूर कर देता हूँ। तुम्हें लंदन जाना चाहिए रही। तुम्हारी आई कितनी एक्साइटेड थी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम भी काफी एक्साइटेड हो। और बात सही भी तो है, तुम्हारा सपना है, उसे तुम्हें पूरा करना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ ना कुछ सोच ही लूंगा। क्या सोचोगे? ये दर्द पहले भी सह चुका हूं ना मेरी बात, हर दिन सजा लगती है, हर रात को सोने से पहले बस यही सोचता था कि काश काश सुबह मेरी आंखें ही ना खुले। बहुत खुश था तुम्हारे आने से, बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत सारे सपने में देखे थे मैंने, लेकिन ये खुशी, ये सपने ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। वो दर्द, वो जख्म जो मैंने अपने अंदर कहीं ना कहीं दफना के रखा था इतने सालों से, वो फिर से खुरद गया। वो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही। प्लीज प्लीज डोंट माइंड अबाउट इट। मैं देखता हूँ मुझे इस पे कैसे मरहम लगाना है। तुम्हें पता था मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मत कहो प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रीवा, रीवा प्लीज, देखो तुम प्लीज गिल्टी मत फील करो। मैं देखो मैं ठीक हूँ, अगर मैंने तुम्हें बुरा फील कराया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन रीवा तुम अपने सपने पूरे करो, अपने आई के सपने पूरे करो। अरे सपने देखना कोई गलत बात थोड़ी ना है, हर कोई सपने देखता है। तुमने सपने देखे, मैंने भी तो सपने देखे। तुम मैंने भी सपना देखा कि मैंने तुम्हारे साथ खूबसूरत सी दुनिया बनाई, जहां हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। दुनिया में कोई भी मुश्किलें आए, हम दोनों मिलके उस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मैंने भी सपने देखे, लेकिन होता है कई बार सपने सच होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। किसी अपने को खोने का गम बर्दाश्त मैंने पहले भी किया है, अब भी कर लूंगा। आई नो द प्रोसेस। क्या कर लोगे? नहीं शाम, तुम्हें उस दर्द से दोबारा नहीं गुजरने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। रीवा प्लीज, मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। तुम लंदन जाओ। देखो रीवा, अगर तुम लंदन नहीं गई ना, तो यहाँ पर एक नहीं दो दो जिंदगियां बर्बाद की। हमेशा रीवा मैं इस गिल्ट में रहूंगा कि मैंने तुम्हारे सपने को पूरा होने से रोका, और कभी ना कभी तुम्हें भी ये बात रियलाइज होगी, तुम्हें भी आगे जाके ये बात खलेगी कि तुम्हारे पास मौका था और तुमने वो खो दिया। रीवा मैं तुम्हें विक्टिम नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं खुद भी कल्प्रिट नहीं बनना चाहता। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम लंदन जाओ और अपना सपना पूरा करो। लेकिन निशान, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती ना, तुम्हारे साथ रहूंगी। रीवा तुम समझने की कोशिश करो प्लीज, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो शख्स नहीं बनना चाहता जो तुम्हारे सपने को पूरा होने से रोके।
तुम नहीं रोक रहे, मैं रुकना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। आई हैव रियलाइज्ड कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि किसी प्यार करने वाले की पूरी दुनिया बन के जीना चाहती हो, वो सपना तुम हो। तुम्हें जीना चाहती हो, तुम्हारे साथ जीना चाहती हो पूरी जिंदगी। कहीं तुम दबाव में सब तो सारी चीजें नहीं बोल रही, प्लीज प्लीज तुम जाओ ना, अपने सपने को पूरा करो ना। तो सपना मम्मा का था, बहन का था, मेरा सपना तुम हो। सच कह रही हो तुम? आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर पल। पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का वाला। अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो ना, तो मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पे लाकर रख दूंगा। मैं बहुत खुश रखूंगा और तुम यहाँ पे आराम से रहकर तुम PhD कंप्लीट करो, उसके बाद तुम हमारे कॉलेज में एज ए फैकल्टी भी ज्वाइन कर सकती हो। रीवा, हम सुबह शाम दिन रात एक दूसरे के साथ रहेंगे। And I promise you, मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा और तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ईशान, मुझे मुंबई जाना होगा, मॉम डैड को समझाना होगा, उनको समझाना बहुत टफ है, बट कोशिश तो करनी होगी ना। जाओ, लौट के तो आओगी ना। हेलो सर, तो खुद से भी ज्यादा जाओगी? तो ढूंढना मत मेरा भरोसा। आप कैसी बातें कर रही है बहनी? उसने हाथ उठाया हरिनी पर, बेशर्म कहीं का। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और आप कह रही है कि हरिनी ने हमारी नाक कटाई? आजी, अपने पर्स में ना फटे हुए नोट भी कड़क लगते हैं, क्योंकि वो अपने होते हैं। अब तक हमें ये लग रहा था कि वो लोग गलत हैं, लेकिन असली कहानी तो हमें वहां जाके पता चली है। क्या कहानी? कैसी कहानी विनायक? जो कुछ भी बोलना है ना, साफ साफ बताओ। तो साफ साफ सुन लो फिर। आप सबको पता भी है कि हरिनी ताई ने किया क्या है। ये शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड संजय से बात करती थी। ये झूठ है, मैं संजय से बात नहीं करती थी। आज ही उसका सिर्फ एक बार कॉल आया था और मेरी सिर्फ उससे एक ही बार बात हुई है, वो भी इसलिए ताकि मैं उसे समझा सकूं कि वो ऐसी हरकतें ना करे। तूने फोन उठाया ही क्यों? समाज सुधार है तू? उसे सुधारने चली थी? अश्विनी तू बता, कौन सा पति ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी उसके बॉयफ्रेंड से बात करे? जवाब दे, बोल। अजी, अब मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी सिर्फ संजय से एक बार बात हुई थी और किरण ने मुझ पर इसलिए हाथ नहीं उठाया। उसने मुझ पर हाथ इसीलिए उठाया क्योंकि मैंने उससे सवाल पूछ लिया था कि वो रात रात पर अपनी कौन सी कलीग से बात करता है। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो मुझ पर चिल्लाने लगा, मुझे धक्का दिया। और क्या करेगा वो? अगर किसी को भी ये पता चलेगा कि उसकी बीवी शादी के बाद उसकी बॉयफ्रेंड से बात करती है तो यही करेगा ना। क्या बकवास कर रहे हो आप दादा? किरण जीजू ने जो किया वो गलत नहीं था क्या? ताई पर हाथ उठाने का हक किसने दिया है उनको? गलती वो कर रहे हैं, उनकी नियत में खोट है, वो ऐसी हरकतें करे और वो ताई पर हाथ उठाए। ए, तू गप्पा बसा? हर बात में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, मेरी ताई की जिंदगी का सवाल है और मैं कुछ भी ना कहूँ। जब आपने ताई की शादी करवाई थी तब मैं छोटी थी, मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन तब भी मुझे सब समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ताई संजय से प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन आपको वो लड़का पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो गरीब था, इसलिए आपने ताई की शादी जबरदस्ती करवा दी और आपकी गलती की सजा ताई अब तक भुगत रही है। कुछ आता पता है नहीं? और मुझे सब पता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको बड़ी आजी।
ना आप बदली है और ना ही आपकी ये हरकतें बदली। आपके वजह से ताई की आय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब ताई के साथ भी ऐसा ही कर रही है। आपने हमेशा इस घर की लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की और आप मुझे कह रही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। चुप! मैं इस घर की लड़कियों के साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। उल्टा इस घर की लड़कियों ने हमेशा अपनी हरकतों से मुझे शर्मिंदा किया है। और अगर अब तूने तेरी बकवास बनेगी ना तो मैं तुझे प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।